आगे जाके हिंदी उपन्यास के अध्ययन क्रम में, हिंदी उपन्यास के अध्ययन क्रम में उपन्यास की जब शुरुआत होती है उसके लगभग 100 साल के बाद हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आता है ये जिंदगीनामा। 1979 में ये प्रकाशित होता है ये उपन्यास, जिसे कृष्णा सेवती ने रचा है। कृष्णा सेवती द्वारा रचित ये जिंदगीनामा हमारे सामने 1979 में प्रकाशित होकर आता है। देखिए उपन्यास की जब बात आती है तब प्रेमचंद को लेकर, प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही उपन्यास का विभाजन होता है। यानी प्रेमचंद से पहले युग और प्रेमचंद के बाद युग, और प्रेमचंद युग, प्रेमचंद से पहले युग, प्रेमचंद के बाद युग। यानी प्रेमचंद जो है केंद्र में है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर, इन तीनों खंड में उपन्यास का विभाजन होता है। क्यों होता है ये सबसे पहले वही से शुरू करेंगे तो हम जिंदगीनामा तक पहुंचने में हमें सहूलियत होगी। 1936 में प्रेमचंद का जो सबसे चर्चित उपन्यास है जिसका नाम गोदान है, वो प्रकाशित होकर हमारे सामने आता है। उससे पहले जो उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए, वह या तो तिलिस्मी उपन्यास थे या तो उसमें जनजीवन की कथा गाथा उतनी नहीं थी जितनी आम जनता की बात प्रेमचंद ने कही। 1936 में ये प्रेमचंद गोदान को लेकर हमारे सामने आते हैं। ये उपन्यास के क्षेत्र में एक क्रांति है। गोदान वास्तव में भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य है। जो प्रेमचंद ये बताते हैं, हम आगे बताएंगे आपको कि प्रेमचंद ने जो गोदान लिखा उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो किसान के बारे में नहीं सोचता, जो आज के दौर में किसान की बात नहीं करता, उसे खाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खाने का जो सारी चीजें हैं वो किसान ही पैदा करता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। इसीलिए प्रेमचंद का ये उपन्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास को एक नवीन अर्थदीप्ति दी, एक नवीन अर्थवत्ता प्रदान की। प्रेमचंद के बाद और कई उपन्यासकार हुए, जैसे अमृतलाल नागर जिनका प्रमुख उपन्यास है बंद और समुद्र, अज्ञेय उनका चर्चित उपन्यास है शेखर एक जीवनी, रेणु मैलांचल जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, यशपाल झूठा सच, इन तमाम आगे और भी बहुत सारे उपन्यास आए। इन उपन्यासों ने जमीन, हमारी जो जमीन है, जो हमारी जो हमारा जो यथार्थ है उससे जोड़कर अपने आप को रखा, जिसके कारण हमारी अंधी परंपराएं, अंधी मान्यताएं जो थी उस पर इन्होंने प्रहार किया। और जिंदगी नामा इस श्रृंखला की अगली कड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्णा शेवती ने इसमें जीवंत संस्कृति के समूचे रूप में परोसा है, समूचे रूप में जीवंत संस्कृति को हमारे सामने रखने का कृष्णा जी ने प्रयास किया। सबसे पहले जो आपके कोर्स में है वह है कृष्णा सेवती के जिंदगीनामा के चार, मेरे पास मेरे मेरे लिए जो सुझाए गए हैं वो चार खंड में, चार इकाई में विभाजित है। पहला, पहली इकाई है कृष्णा सेवती व्यक्तित्व कृतित्व। पहले उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि साहित्य को पढ़ने से पहले हमारे मन में ये बात आती है कि हम साहित्यकार को जाने, साहित्यकार की कृतियों को जाने, तब जाकर हमारा साहित्य उसे, हमारा जो आत्मिक संबंध है जोड़ता है। हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सबसे पहले तुलसी के बारे में हमारी जिज्ञासा होती है। जब हम कबीर के दुआवली, कवितावली पढ़ते हैं तो हमारे कबीर के बारे में जानने की इच्छा होती है। उसी प्रकार जिंदगीनामा को जब हम पढ़ते हैं, जब उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात उठती है कि कैसे हम कृष्णा सेवती के बारे में जाने। कृष्णा सेवती हिंदी साहित्य के एक चर्चित हस्ताक्षर है। माँ सरस्वती की उन बरपुत्रियों में से एक है जिन्होंने माँ के चरण कमल में असंख्य श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को पूर्व पंजाब के गुजरात जिले में, जो पूर्व पंजाब के गुजरात जिले जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में, दिल्ली में, शिमला में हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि
इन इस अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने जो जो लाहौर है या दिल्ली है या शिमला है वहां की जनजीवन या जनजातीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव कृष्णा श्रीमती पर पड़ा। वे कुछ वर्ष तक दिल्ली में नौकरी भी करती रहीं, फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन में रम गई। आगे उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, नौकरी छोड़ दी। वे 1980 से 1982 तक पंजाब विश्वविद्यालय जो पटियाला में है वहां फेलो के रूप में, फेलो जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है अध्ययन अध्यापन के लिए, फेलो के रूप में विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया। उसके बाद भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो शिमला में है वहां उन्होंने राष्ट्रीय फेलो के रूप में अपना कार्य निर्वहन किया। देखिए, फेलोशिप उसे मिलती है जो अपने क्षेत्र में सबसे महान विद्वान माने जाते हैं, और कृष्णा श्रीमती के बारे में ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी महान थी। हम आगे इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। जिंदगी नामा के प्रकाशन से पहले, जिंदगी नामा जब तक नहीं आया था, जिंदगी नामा तो बहुत बाद की चीज है, कृष्णा श्रीमती सुप्ति तो उससे पहले भी मशहूर हो गई थी। जिंदगी नामा के प्रकाशन से पहले कृष्णा श्रीमती की प्रतिष्ठा एक लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में हो चुकी थी। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे कहते हैं, क्योंकि हर राज्य में साहित्य अकादमियां हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी नामा के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ये तो है कि ज्ञानपीठ तो है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो पुरस्कार हैं उनमें केंद्र साहित्य अकादमी का ये पुरस्कार सर्वोच्च माना जाता है। इसी उपन्यास के लिए 1981 में पंजाब सरकार ने उन्हें साहित्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत छोटी बात नहीं है। अब देखिए, एक ही रचना के लिए केंद्र सरकार से सम्मानित होना और अपने राज्य सरकार से सम्मानित होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें कई पुरस्कार मिले, केवल ये दो नहीं, अनगिनत पुरस्कार उन्हें मिले। लेकिन ध्यान रखे कि ये कभी भी पुरस्कार के पीछे लालायित नहीं रहे, कभी किसी का पश्चाधावन नहीं किया। आज के दौर में जिस प्रकार आप देख रहे हैं, पुरस्कार के लिए लोग पिछलग्गू हो रहे हैं, लोग चापलूसी कर रहे हैं, ऐसी मनसा बिल्कुल कृष्णा जी में नहीं थी। उन्होंने ठुकरा दिया जब अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पुरस्कार पाने की लालसा से किसी भी रचना कर्म का संपादन नहीं किया। इसलिए उनकी साधना सरस्वती की साधना थी, उनका सृजन सरस्वती का सृजन था। संपूर्ण जीवन एक सृजित साहित्यकार के रूप में, एक सजग साहित्यकार के रूप में उन्होंने साहित्य का सृजन किया, साहित्य की रचना की। अब बात कृष्णा जी की उन तमाम रचनाओं की है जिसके बारे में जानना निहायत जरूरी है। कृष्णा जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, कृष्णा जी ने 9 उपन्यास लिखे। पहले तो उनकी प्रसिद्धि एक कहानीकार के रूप में हुई, आपको बताएंगे हम। उससे पहले वे एक कवयित्री थी, लेकिन कविता सामने नहीं आई क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना रचना कार्य प्रारंभ किया था। जब महज वह 17 साल की थी तब वे कविता लिखा करती थी। 19 साल में उनकी पहली लघु कहानी नफीसा सामने आई। हम आगे चर्चा करेंगे बादल के घेरे के संदर्भ में। तो कृष्णा जी की जो रचनाएं हैं ये उनकी रचनाएं हैं। हम हसमत एक, ये रेखाचित्र और संस्मरण को लेकर बनी हुई रचना है, संग्रह है। हम हसमत दो, ये भी संस्मरण और रेखाचित्र आधारित संग्रह है। इन दोनों का प्रकाशन काल, हम हसमत एक इसका प्रकाशन काल है 1977 और हम हसमत दो इसका प्रकाशन काल है 1999। उसके बाद पहला कहानी संग्रह सामने आता है। वह पहला कहानी संग्रह कौन सा है? बादलों के घेरे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1980, लेकिन कहानियां लिखी गई थी 1944 से लेकर 1956-57 के बीच, प्रकाशन बाद में हुआ यह संग्रह। उसके बाद उपन्यास आता है डार से बिछुड़ी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958।
फिर मित्रों मरजानी, प्रकाशन वर्ष है 1967, यारों के यार, तीन पहाड़, ये लघु उपन्यास है। देखिए एक ही संग्रह में दो उपन्यास है, दो भिन्न भिन्न उपन्यास है। आप इसे मत समझिए कि दोनों का अलग अलग नाम है, दो लघु उपन्यास एक ही संग्रह में है। एक का नाम है यारों के यार, दूसरा का नाम है तीन पहाड़। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। फिर सूरजमुखी अंधेरे के, ये बहुत चर्चित उपन्यास है उनके, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। जिंदगी नामा भाग एक, जिंदगी नामा के दो भाग हैं। जिंदगी नामा का पहला भाग 1979 में प्रकाशित हुआ और 1999 में, यानी 20 साल के बाद, बहुवचन पत्रिका में दूसरा भाग सामने आता है। हम बताएंगे उसके आगे जो उपन्यास है कृष्णा जी का, वह है ये लड़की, प्रकाशन वर्ष है 1991। अगला उपन्यास है दिलो दानिश, प्रकाशन वर्ष है 1993। फिर आगे उपन्यास आता है जिसका नाम है समय सरगम, इसका प्रकाशन वर्ष है 2000। फिर जिंदगी नामा भाग दो, जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो बहुवचन पत्रिका में पहले आया। भाग दो जो है बहुवचन पत्रिका, क्या है बहुवचन पत्रिका? महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय वारधा है उसकी पत्रिका है। सबसे पहले उस पत्रिका में जिंदगी नामा भाग दो कुछ उसका कुछ हिस्सा सामने आया। उसी पर आगे समकालीन उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और किस्सा है, फोन बजता रहा, इनका एक संस्मरण ही मानिए, जिस कृष्णा जी ने जिसे डॉक्टर जयदेव के लिए लिखा। ये जयदेव कौन है पहले जानिए। जयदेव भारतीय साहित्य के प्रखर विद्वान है, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन तुलनात्मक साहित्य के बहुत धुरीण विद्वान विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। उन्हीं की जब उनका देहांत हो गया, उनके कई मित्र थे लेकिन किसी ने नहीं लिखा अलावा सेवती जी के। देखिए जब आदमी जिंदा होता है, इसीलिए पंत ने कहा जीवितों के जीवित, मृतकों का मृतक। जब लोगों के मन में लालसा होती है कुछ पाने की, तब तो लोग संबंध जोड़ते हैं, मर जाने के बाद कौन जोड़ता है। लेकिन जो सच्चे साहित्यकार होता है, जो सच्चे मनुष्य होता है, वो मरने के बाद भी उन लोगों को याद करता है जिनके साथ उनका संबंध घनिष्ठ है। और उन मानवीय मूल्यबोध के लेखिका हैं कृष्णा जी, उन्होंने जयदेव को याद किया। और उस शीर्षक जो समकालीन भारतीय साहित्य में निकला 2001 में, इसका शीर्षक था फोन बजता रहा। लेकिन हमारा विषय जिंदगी नामा को है लेकर है, और ये जो इसकी हम अवश्य चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें उसमें हैं। सबसे पहले आप जानिए संस्मरण रेखाचित्र। आपने हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हुए आपने देखा होगा संस्मरण क्या है और रेखाचित्र क्या है। संस्मरण वह है हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, व्यक्ति या किसी दृश्य या किसी चीजों को लेकर, फिर बाद में जब उन स्मृतियों को ताजा करके उसे हम शब्द का जामा पहनाते हैं तो वह संस्मरण है। और रेखाचित्र वही वही है, लेकिन उसमें है क्या है ना, रेखाचित्र में एक रेखा जैसी चित्र, रेखा जैसा चित्र आपके दिमाग में आ, 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 उठने लगता है। पढ़ने से लगेगा कि जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा आपका गिल्लू महादेवी वर्मा का, पढ़ने से लगता है जैसे आपके बगल में गिल्लू दौड़ रहा है, तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है। तो ये हम हस्मत एक संस्मरण उनका पहला संस्मरण है। ये संस्मरण या रेखाचित्र विधा की रचना है। इसमें कृष्णा जी ने 21 व्यक्तियों जिनमें अधिकांश हिंदी के लेखक ही हैं, उनको उनका स्मरण किया है, उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इन संस्मरणात्मक चित्र में कौन कौन है? हिंदी के सभी मूर्धन्य व्यक्ति हैं, जिनमें निर्मल वर्मा है, भीष्म साहनी है, नागार्जुन है, महेंद्र भल्ला है, मनोहर श्याम जोशी हैं, गोविंद मिश्र हैं। ये हिंदी के विशिष्ट लेखक माने जाते हैं। इनके अलावा सामान्य लोग भी हैं, जिनमें मियां नसीरुद्दीन हैं, सरदार जग्गा है, जो सामान्य होने पर भी विशिष्ट व्यक्ति हैं अपने मानवीय गुणों के कारण। उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, कृष्णा जी ने अपनी रचनाओं में उन्हें भी सम्मिलित किया। उसके बाद दूसरा उनका जो संस्मरणात्मक
सृजन है, संस्मरणात्मक, दूसरी संस्मरणात्मक रचना है हम हस्मत दो। इसमें उन्होंने 19 लेखकों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किए, जिसमें हिंदी, उर्दू, गुजराती आदि सभी अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हैं। इसमें इनमें डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में उन्होंने लिखा, सबसे बड़ा संस्मरण इनका है डॉक्टर नामवर सिंह पर, और उसमें डॉक्टर नामवर सिंह पर जो संस्मरण है वो 48 पृष्ठ का है सब। और नामवर सिंह के अलावा अशोक वाजपेयी, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्ल, नसीरा शर्मा, स्वदेश दीपक, मंजूर एहतेशाम और गुजराती लेखक उमा शंकर जोशी के बारे में उन्होंने लेखन प्रस्तुत किया। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उमा शंकर जोशी के बारे में, हेलो हेलो, उमा शंकर जोशी के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण चीजें प्रस्तुत की। गुजराती साहित्य के लेखक जिन्होंने, जिनके बारे में एक हिंदी साहित्य के लेखक लिख रहा है, सोचिए भारतीय साहित्य की अंतः सलिला कहाँ तक है। यही भारतीय साहित्य की मूल बिंदु है, क्योंकि भारतीय साहित्य में विचार एक है होते हैं और उसे अलग अलग तरह के कुर्ता, अलग अलग तरह के सूट बूट पहनाए जाते हैं, लेकिन शरीर एक होता। आगे चलिए, उनका पहला कहानी संकलन आता है जिसका नाम है बादलों के घेरे। कृष्णा जी का यह एकमात्र कहानी संकलन है। इसमें 24 छोटी बड़ी कहानियां, 24 छोटी बड़ी कहानियां हैं। इसका रचना काल 1944 से 1959 तक फैला है, यानी 1944 से लेकर 1959 तक के कालखंड के बीच बादलों के घेरे की जो कहानी है, जो कहानियां संकलित हुई है, ये सारी कहानियां उसमें सम्मिलित है। बादलों के घेरे में जो कहानी है, इसमें कई तरह की कहानियां हैं, लंबी कहानियां हैं, छोटी कहानियां हैं। लंबी कहानी जो है वो खुद जो शीर्षक है इस कहानी संग्रह का, बादलों के घेरे, ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। एक लंबी कहानी के रूप में इसे आप देख सकते हैं। यह 21 पृष्ठ की कहानी है। इस कहानी की रचना कृष्ण जी की जब उम्र 30 साल की हुई थी, महज 30 साल, उस समय उन्होंने ये चर्चित कहानी की रचना की थी। कृष्णा जी की पहली कहानी नशीफा, कृष्णा जी की पहली कहानी है नफीसा, सॉरी नशीफा नहीं, नफीसा, ये पहली कहानी है। एक छोटी कहानी है, एक लघु कहानी है। जब कृष्णा जी की उम्र महज 19 साल की हुई थी, जब वो 19 साल की थी, तब उन्होंने ये कहानी की रचना की थी। ये संकलन, ये बादल के घेरे जो संकलन है, उस कहानी, इस संकलन की सबसे छोटी कहानी है नफीसा। कृष्णा जी की तमाम कहानियों में कृष्णा जी की प्रसिद्धि का आधार दो कहानियां हैं। वे दो कहानियां कौन कौन सी हैं? वे दो कहानियां ये हैं, बादलों के घेरे, और दूसरी कहानी है सिक्का बदल गया। बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया दो कहानी के कारण जिंदगीनामा आने से पहले कृष्णा सोबती की ख्याति एक विशिष्ट कथाकार के रूप में पूरे भारतवर्ष में हो चुकी थी। बादलों के घेरे, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये बादलों के घेरे यक्ष्मा रोग की पृष्ठभूमि में, एक विशेष प्रकार की रोग है यक्ष्मा जिसे कहते हैं, उस रोग की पृष्ठभूमि में ये रची गई कहानी है, जिसका नायक सेनेटोरियम में दाखिला है, और दाखिले होते हुए अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी मृत्यु के अवसाद से घिरा वह व्यक्ति अपने पूर्व प्रेमिका को याद करता है, जो इसी रोग से, इसी यक्ष्मा के चलते जिसकी मृत्यु हुई है। ये इसकी कथा है। दूसरी कहानी जो है, जो सबसे चर्चित कहानी है, सिक्का बदल गया, ये विभाजन की पृष्ठभूमि में रचित अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी है। यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तब किस समय कैसी अमानवीय कृत्य किए गए, किस प्रकार लोग, इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आए, अपनी सारी जमीन जायदाद को छोड़कर, अपने सारे बंधनों को तोड़कर आए, इसको इसमें दर्शाया गया है। जिसकी नायिका साहनी है, वो अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़कर सांप्रदायिक तनाव के चलते भारत
आने के लिए मजबूर होती है। फिर आगे उपन्यास आता है जिससे जिसका नाम है डार से बिछुड़ी। ये लघु उपन्यास है, कृष्णा जी का ये लघु उपन्यास। इसमें लेखिका ने एक अभागी पंजाबी स्त्री जिसका नाम पासो है, उसकी कथा का चित्रण किया है। उसकी माँ हिंदू सराफों की बेटी थी, किसकी, पासो की माँ। जिसमें ये जो पासो की माँ, उन्होंने अपनी मर्जी से एक मुसलमान लड़का जिसका नाम है शेख, उससे शादी की थी। इससे दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई। ये हिंदू थी और वह मुसलमान से शादी करने के कारण दोनों परिवार में दुश्मनी हो गई। पासो को उसके मामाओं और नाना इन्होंने पाला, लेकिन फिर देखिए समय की गति कैसे बदलती है। वही पासो ने जब एक और मुसलमान लड़के से प्रेम किया, ये प्रेम किया नहीं कहा जा सकता, उसके मामा और नाना ने संदेह किया कि शायद ऐसा है, तो इसी संदेह के चलते इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि इस पासो को खत्म कर दिया जाए, ताकि हमारी जो बदनामी है उस बदनामी से हम बच जाए। इसी का भान लगते ही, इसी की बू लगते ही पासो अपनी माँ मेहर के पास चली आई, जिसने मुस्लिम शेख से शादी की थी। फिर क्या था, शेख साहब ने उस लड़की यानी अपनी लड़की की शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जो उनके हिंदू मित्र था। समझिए, जब ये शेख साहब की उम्र मान लीजिए 50 साल है और उनके मित्र की भी उम्र उतनी होगी, तब ये जो पासों की शादी अपने मित्र के साथ कर दी, जिसका नाम था लखपत, दीवान लखपत। शादी तो हो गई, पासों की शादी तो हो गई, दोनों परिवार में जो आपसी टकराव थी वो भी समाप्त, आपसी टकराव था वो भी समाप्त हो गया। लेकिन पासों की जिंदगी का क्या हुआ, ये दिलचस्प है, ये देखने वाली बात है कि अधेड़ उम्र के जो हिंदू मित्र है उसके साथ, उनके पिताजी के मित्र है उसके साथ शादी करने के कारण कुछ पासो का एक बेटा भी हुआ लखपत की ओर से, और उसके बाद लखपत चल बस। फिर पासो की जिंदगी नरक जैसी हो गई, वह बाजार में पण्य वस्तु की तरह बेचा खरीदा गया, उसकी जिंदगी बेची खरीदी गई, वो बेची खरीदी गई, उसका हश्र एक पण्य वस्तु जैसा हो गया। इस उपन्यास में भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है रेखांकित करने की है, वह है कि इस धार से बिछुड़ी उपन्यास में भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति और सामंत मूल्य के वर्चस्व के तले दबी कुचली नारी की व्यथा कथा को कृष्णा जी ने आप लोगों के सामने, हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत अच्छा प्रयास, संस्तुत्य प्रयास किया। उसके बाद अगला उपन्यास है मित्रो मरजानी। इस उपन्यास में पंजाबी जीवन का घरेलू चित्र अंकित है। ये पंजाबी परिवार की कथा है। एक परिवार है डॉक्टर गुरदास और उनकी पत्नी धर्मवंती का परिवार। इनके 3 बेटे और एक बेटी है। 3 बेटे, बड़ा बेटा का नाम बनवारी है, मझला का सरदारी है, और सबसे छोटा जो है गुलजारी है। और बहन जो ये इनके साथ जो बहन है, सबकी शादी हो गई है, लेकिन बड़ा बेटा बनवारी अपनी पत्नी सुहागवंती से खुश है, छोटा बेटा गुलजारी अपनी पत्नी फूलवंती के वश में है, लेकिन ये जो मझला बेटा है उसकी पत्नी है सुमित्राबंती, जिसे मित्रों कहा जाता है। ये सुमित्राबंती या मित्रों जो है वह अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने की जो उसके मन में जो कामना है उससे उसे संतुष्टि नहीं मिलती, इसीलिए वो सहमी सहमी रहती है। ऐसा नहीं है कि उसका पति बूढ़ा हो गया है, वह एक युवा है और उस शारीरिक सुख देने में उसमें सामर्थ्य है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है, इसीलिए मित्रों के मन में दुख है, मित्रों के मन में खेद है कि अपने पति उसे
शारीरिक संबंध बनाने में जो संतुष्टि उसे होनी चाहिए वो नहीं दे पाता। इस उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण की चीज जो है देखने की है वह है स्त्री पुरुष के सेक्स समस्या पर, कि एक तो बताया नहीं जा सकता किसी के सामने, और अपने आप उस समस्या को पीना होगा। जहर जैसे पीता है व्यक्ति, उसी प्रकार इसमें भी पीना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसके सामने जिसे हम खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन सहना हमको है। इसी प्रकार सेक्स समस्या, स्त्री पुरुष की सेक्स समस्या को इस उपन्यास में फोकस के तौर पर कृष्णा सेवदी ने पेश किया। अगला उपन्यास यारों के यार और तीन पहाड़ है। इसे आप दो लंबी कहानियां कह सकते हैं, दो उपन्यास भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबी कहानी भी है और उपन्यास है। ये कृष्णा जी की अपनी रचना कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि उपन्यास को कहानी और कहानी को उपन्यास बनाने की सामर्थ्य उनमें है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में ये सामर्थ्य पाई जाती है जो कृष्णा जी में है। यारों के यार में ये उपन्यास जो लघु उपन्यास है उसमें दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के भीतर जो सड़े हुए माहौल है उसे केंद्र में रखकर इस उपन्यास की चर्चा हुई है। इसमें क्लार्क की मानसिकता को प्रस्तुत किया गया है। वह क्लार्क जिसका बेटा मर जाता है लेकिन वह एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि छुट्टी में चला जाएगा तो रिश्वत नहीं मिलेगी। तो भ्रष्टाचार से लगे हुए तमाम चीजों को, जो पूरा तंत्र है, उसको उजागर करने का प्रयास कृष्णा जी ने इस उपन्यास में किया। अगला उपन्यास इसी के साथ, यानी ये एक ही संग्रह में, मैंने पहले ही आप लोगों के सामने ये रख कहा है कि एक ही संग्रह में यारों के यार हैं और तीन पहाड़ हैं, और तीन पहाड़ जो है एक वो भी एक लघु उपन्यास है। तीन पहाड़ बिल्कुल भिन्न प्रकार की, अत्यंत संवेदनशील, एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए कि ये तीन पहाड़ उपन्यास जो है अत्यंत संवेदनशील दुखांत प्रेम कहानी है। कंचनजंगा के दार्जिलिंग क्षेत्र की पहाड़ियों में जया, श्री, एडना तीन व्यक्ति हैं। एक का नाम है जया, दूसरा का श्री, तीसरा का एडना। इनके प्रेम त्रिकोण को उजागर किया गया है और जया के दुखद आत्मघात को केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा गया। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें प्रेम के त्रिकोणीय व्यापार को कृष्णा जी ने सबके सामने रखने का अथक प्रयास किया है। अगला उपन्यास है ये लड़की। ये लड़की भी एक अभिनव रचना है। इसमें मर रही माँ और उसकी अकेली रह रही लड़की के संवाद, विशेषतः माँ के एकालाप पर आधारित कहानी है, जिसमें पंजाबी परिवारों के भीतर की सांस्कृतिक झलक मिलती है। माँ इसका अत्यंत सशक्त चरित्र है ये लड़की उपन्यास। अगला उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे की। यह एक ऐसी स्त्री की दर्दनाक कहानी है जिसके व्यक्तित्व में बचपन की यौन हिंसा ने असुरक्षा और निसंगता भर दी है। इस उपन्यास की नायिका जो है उसका नाम है रति। ये रति अपने व्यक्तित्व और आत्मसम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील और सचेत है। उच्च मध्यवर्गीय परिवार से रति का संबंध है, इसीलिए रति की युवावस्था का प्रथम मित्र जो है जिसका नाम असद है वो अचानक चल बसता है। ये उच्च मध्यवर्ग परिवार की होने के कारण वो किसी के साथ सामान्य संबंध बनाने में अपने आप को असमर्थ पाती है। उसका जो सबसे प्रथम मित्र जो है असद जब चल बसता है तो फिर आखिरकार एक विवाहित पुरुष जिसका नाम दिवाकर है उसके साथ रति अपना शारीरिक सुख भोगकर संतुष्टि होती है। स्त्री पुरुष के संभोग का ऐसा विस्तृत लेकिन नियंत्रित चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मायने की चीज है। इसमें स्त्री पुरुष के संभोग का चित्रण हुआ है, विस्तृत चित्रण हुआ है, लेकिन इतनी मर्यादित भाषा में हुई है इसका चित्रण हुआ है कि वो देखने में महत्वपूर्ण है, वो देखने लायक है। आगे का उपन्यास है दिलो दानिश। ये दिलो दानिश उपन्यास, इस उपन्यास में कृष्णा जी ने
पुरानी दिल्ली की सामाजिक संस्कृति को केंद्र में रखकर इसकी रचना की है। कृष्णा जी ने इस उपन्यास में वकील कृपा नारायण के घर और बाहर की कहानी कही। इस उपन्यास का जो नायक है वो पेशे से वकील है, जिनका नाम कृपा नारायण है। इसके घर की कहानी भी है और बाहर की कहानी भी है। उस समय, उस जमाने की दिल्ली के आसपास की जो सामाजिक संस्कृति है उसको केंद्र में रखकर इसे बनाया गया है। कृपा नारायण एक सफल वकील है। वकील के घर की बड़ी हवेली में अपनी पत्नी यानी कृपा नारायण की पत्नी, जिनका नाम है कुटुंब प्यारी, और उनके बच्चे हैं। लेकिन बाहर, घर के बाहर जो फरास खाने हैं, वहां भी उनका एक घर है जहां उनकी रखेली रहती है, जिसका नाम है महक बानो। महक बानो और वकील साहब के संबंध से दो बच्चे पैदा होते हैं, जिनका नाम है मासूदा और बदरू। वकील साहब के बेटे राजो भाई की सालगिरह पर ये बच्चे पहली बार हवेली में आते हैं। उपन्यास में धीरे धीरे महक बानो अपने हक के प्रति सचेतन दिखाई पड़ती है। वह वकील कृपा नारायण की रखेल के दर्जे से भी मुक्त होती है। जो रखेल कहा जाता था महक बानो को, वह उस रखेल के दर्जे से मुक्त होती है और अपनी बेटी मासूदा की शादी में भी शान से शामिल होती है। अंत में उपन्यास का अंत वकील कृपा नारायण के देहांत और उनकी वसीयत नामा के साथ होती है। उस वसीयत नामा में वकील कृपा नारायण उनके ये जो बाहर के परिवार हैं, यानी महक बानो और उनके बच्चे, उनके परिवार और ये जो परिवार है, उनके अपने परिवार जिसे घर के परिवार कहते हैं, कुटुंबी प्यारी के साथ, उनके दोनों के बीच उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा किया है। और ये भी दिखा गया है कि अपने परिवार जो कानूनन जायज फैमिली है, उसे अधिक संपत्ति उन्होंने दी है। इसी के साथ ये उपन्यास समाप्त होता है, उपन्यास की कथा समाप्त होती है। फिर अगला उपन्यास है समय सरगम। ये बहुत बहुत चर्चित उपन्यास है कृष्णा जी का। इसमें कृष्णा जी ने हमेशा की तरह बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के विषय को चुना। संभवतः हिंदी साहित्य में नहीं, पूरे भारतीय साहित्य में ऐसा विषय पहली बार किसी ने प्रस्तुत किया है, किसी लेखक ने, किसी उपन्यासकार ने। ये महत्वपूर्ण है। उपन्यास वरिष्ठ नागरिकों की अत्यंत संवेदनशील और मानवीय प्रेम कथा पर आधारित है। इस उपन्यास में, समय सरगम उपन्यास में दो चरित्र आते हैं। एक है अरण्या और दूसरा चरित्र है ईशान। अरण्या ने शादी नहीं की, अविवाहित है, और ईशान जो है वे शादीशुदा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बेटे और पत्नी किसी दुर्घटना के कारण चल बसी हैं। और जीवन के अंतिम पड़ाव में अरण्या भी अकेली है और ईशान भी अकेला है। लेकिन दोनों के अनुभव, दोनों के गृहस्थ जीवन का जो अनुभव है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों के जीवन शैली में भी अंतर है, लेकिन दोनों बेहद संवेदनशील और ईमानदार इंसान है। एक दमनकारी सभा, ये दोनों हम जब साथ साथ रहते हैं, यानी दोनों में आपसी संबंध बढ़ता है, तब हमारा जो दमनकारी समाज है, उसके प्रभाव, उसके दबाव के कारण ये जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर हम सफर बन जाते हैं। यानी एक दूसरे के साथ रहने की ठान लेते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि इस प्रकार रहने से अच्छा है कि इस संबंध को स्वीकार कर लिया जाए। देखिए किस प्रकार एक व्यक्ति, जब हम जो कहते हैं कि विवाह की क्या जरूरत है, इसे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ बताया गया है कि हमारे जीवन में वैवाहिक संबंध की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बुढ़ापे में यही हमारे लिए लकीरी आसरा है, यही हम जिसकी अवलंबन है, इसी के माध्यम से ही हम बुढ़ापे के जीवन को आगे बढ़ा सकते। उसके बाद का जो उपन्यास है, जो अंतिम उपन्यास जिसकी चर्चा आज हमारा विषय है, वह है जिंदगी नामा। अब जिंदगी नामा शब्द से क्या समझते हैं मुझे, मेरे विद्यार्थी मित्रों, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिंदगी नामा एक प्रतीकात्मक शब्द है।
हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, प्रतीकात्मक किस आधार पर। सबसे पहले कृष्णा जी की यह संपूर्ण उपन्यास यात्रा, जो आपने उपन्यास यात्रा देखी, इसमें ये सबसे, इसे आप मधु संचय कह सकते हैं। कृष्णा जी की उपन्यास यात्रा का मधु संचय है जिंदगी नामा। इनकी चरम उपलब्धि है ये उपन्यास। जिंदगी नामा के दो भाग हैं, जिसे हमने बताया। पहला भाग जिंदा रुख के नाम से 1979 में प्रकाशित हुआ, जो आज हमारे सामने है, जबकि दूसरा भाग 20 साल बाद 1999 में बहुवचन पत्रिका, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका है, उसमें वो उसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1979 में ये जो जिंदा रुख प्रकाशित हुआ, जिंदगी नामा का पहला भाग, उसे स्वयं उपन्यासकार या लेखिका, उन्होंने कहा कि ये जो है, ये उपन्यास जो है मग्नस उपम, अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 20वीं सदी के हिंदी उपन्यास साहित्य की बड़ी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के हिंदी उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि, उनमें से जितने भी उपन्यास 20वीं सदी में लिखे गए, उनमें से जिंदगी नामा की भी गणना की जाती है, जिंदगी नामा की भी गिनती होती है। इसमें विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का ऐसा अद्भुत कथा सृजन किया गया है, जिसे पढ़ते हुए पाठक अभिभूत हो जाता है। पाठक अभिभूत हो जाता है कि कैसा उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास 10वें तथा अंतिम सिख गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, के सुप्रसिद्ध फारसी कथन, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि चूंकार आज हमा हिलते दर गुजरस्त, हलाल वर्दन वह शमशीर दस्त, जिसका अर्थ है जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। इसी पंक्ति के आरंभ से ही इन्होंने इस उपन्यास को आगे बढ़ाया है। उपन्यास का अंत भी उपन्यास के प्रमुख चरित्र शाही जी द्वारा इन्हीं पंक्तियों के उदाहरण से होता है। उपन्यास के आरंभ और अंत दोनों जगह गुरु गोविंद सिंह के संदेश का संदर्भ, लेखिका और रचना के पंजाबी संस्कृति के गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। कृष्णा जी ने जिंदगी नामा की संकल्पना पंजाब के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के रूप में की है। कुल मिलाकर कहें, देखिए कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि ये उपन्यास कैसा उपन्यास है। ये उपन्यास आंचलिक भी है और ये उपन्यास सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास भी है। आंचलिक उपन्यास की चर्चा करते हुए हमने बताया था कि मैलांचल किस संदर्भ में आंचलिक उपन्यास है, और ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है। आपने और एक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास पढ़ा था, जिसका नाम है जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन अपना, उसमें भी आंचलिकता की कूट है। चलिए इस उपन्यास जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु की चर्चा करते हैं, जो यूनिट 2 में आपका है। जिंदगी नामा आकार की दृष्टि से एक बृहत उपन्यास है। इसका प्रथम भाग जिंदा रुख 350 पृष्ठ का है। उपन्यास की अंतरात्मा को पहचानने के लिए ये जरूरी है कि उसकी अंतर्वस्तु की तह तक पहुंचना चाहिए, पहुंचना आवश्यक है। उपन्यास की अंतर्वस्तु को समझने के लिए उसके कथा शिल्प के ताने बाने को समझना आवश्यक है। पहले आप जानिए अंतर्वस्तु क्या है और कथा शिल्प क्या है, आगे इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अंतर्वस्तु और कथा शिल्प उसे कहा जाता है। अंतर्वस्तु जो है वो अंतर्वस्तु आत्मा है और कथा शिल्प शरीर है। शरीर और आत्मा का जैसा संबंध होता है, अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का ठीक वैसा ही संबंध है। कृष्णा जी की औपन्यासिक रचना प्रक्रिया से परिचित होने के लिए जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का अध्ययन जरूरी है। कृष्णा जी ने अब तक 9 उपन्यास की रचना की है। इनमें से इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वह है जिंदगी नामा। कृष्णा जी ने अपनी सभी रचनाओं में
अंतर वस्तु और कथा शिल्प के स्तर पर अभिनव प्रयोग किए हैं। आज तक आपने देखा जितने उपन्यास की हमने परिचय प्रदान किया उसमें किसी एक भी उपन्यास में उन्होंने किसी कथा का दोहराव नहीं किया। परिणाम स्वरूप विषय वस्तु का दोहराव नहीं हुआ, शिल्प का दोहराव नहीं हुआ, यानी एक बार कह दी गई फिर दूसरी अभिनव कथा दूसरे उपन्यास में आती है। जिंदगी नामा कृष्णा शोक्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है जिसकी अंतर वस्तु और शिल्प दोनों स्तर पर लेखिका ने विशेष ध्यान दिया। ये अंतर वस्तु और कथा शिल्प जिसकी बार बार चर्चा आ रही है, मेरे विद्यार्थी मित्रों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अंतर वस्तु क्या है और कथा शिल्प क्या है। अंतर वस्तु है थीम और कथा शिल्प है सब्जेक्ट मैटर। अंतर वस्तु और कथा शिल्प को समझें, वस्तु और शिल्प दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने पहले ही बताया कि वस्तु और शिल्प का संबंध शरीर और आत्मा का जैसा है, यानी जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई महिमा नहीं है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी उसी प्रकार शरीर के बिना आत्मा भी कहीं निवास नहीं करती। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब पूरे रूप में वे सामने आते हैं, आत्मा और शरीर मिलकर आते हैं, तब जाकर वे दोनों कुछ काम करने के लिए सक्षम होते हैं, शरीर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार ये अंतर वस्तु और कथा शिल्प में आत्मा और शरीर का संबंध है। साहित्य और कला के क्षेत्र में वस्तु और शिल्प के तुलनात्मक महत्व को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि साहित्य में अंतर वस्तु की आवश्यकता है, साहित्य में वस्तु महत्वपूर्ण है, कुछ कहते हैं नहीं शिल्प महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मानकर चलिए कि शिल्प और वस्तु दोनों ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आत्मा के बिना शरीर मृत है और शरीर के बिना आत्मा कहीं निवास नहीं कर पाती, उसी प्रकार वस्तु को सजाने संवारने और अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए शिल्प या रूप की अहम भूमिका है। वस्तु तब महत्वपूर्ण कहलाएगी जब उसका रूप सुंदर हो। साहित्य में उन्नत शिल्प के बिना कला वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। कविता कहानी जितने आप कविता कहिए, कहानी कहिए, नाटक कहिए, एकांकी कहिए, सब में ये नियम लागू है और उपन्यास के लिए भी। उपन्यास आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है जिसमें युगीन समाज का सर्वाधिक व्यापक चित्रण संभव हुआ है, इसीलिए इसे महाकाव्य कहा गया है। आधुनिक युग का महाकाव्य उपन्यास को माना जाता है, यानी उपन्यास गद्यात्मक कृति होते हुए भी आधुनिक युग में महाकाव्य की संज्ञा पाने के हकदार है। प्रतिनिधित्व की दृष्टि से आप देखिए प्राचीन और मध्यकाल में, यानी प्राचीन हिंदी साहित्य में देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य में देखिए, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में देखिए, उसमें उस समाज के चित्र को प्रस्तुत करने का काम मुक्तक नहीं करते थे, महाकाव्य करते थे। चाहे वो विशल देव रासो हो, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे आपके जहांगीर जसचंद्रिका हो, ये जो रामचंद्र का जो भी हो, कृष्ण इनका केशवदास की रचना हो, ये सब युगीन जीवन को, जनजीवन को प्रस्तुत करने में ये महाकाव्य समर्थ थे। यही स्थान आज उपन्यास का है। उपन्यास आधुनिक काल में महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अपने आरंभिक दौर में उपन्यास का अधिकाधिक झुकाव लोकाश्रित कथाशिल्प और सहज सरल भाषा की ओर था। आरंभिक दौर में उपन्यास का झुकाव लोकाश्रित कथाशिल्प यानी लोग जिससे प्रसन्न हो और सहज सरल भाषा जिसे लोग समझें उसकी प्रति था। पर युगीन जटिलता ने उसके शिल्प को भी सपाट नहीं रहने दिया, क्योंकि युग जटिल होता गया और उपन्यास का शिल्प भी उसी तरह जटिल हो गया। क्योंकि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, समाज ऐसा होता है साहित्य भी वैसा होता है। समाज जिस प्रकार जटिलता से भरा हुआ है, आज का समाज आप देखते हैं साहित्य भी उसी प्रकार जटिलता से भरा हुआ है और उसका शिल्प भी उसी प्रकार जटिलता से भरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि उपन्यास की जो अंतर वस्तु थी उसमें जटिलता का समावेश हो गया।
शिल्प में जटिलता का समावेश होने के कारण आज जो उपन्यास है हमारे सामने है उसमें हम उपन्यास की उन तमाम बारीकी बिंदुओं को देख रहे हैं, जिससे लगता है कि जैसे ये सब हमारे इर्द गिर्द घटित होने वाली घटनाएं हैं। जिंदगी नामा इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण है। महाकाव्य जिस युग की प्रतिनिधि साहित्य था वह युग अपेक्षाकृत कम जटिल था। एक उदाहरण लेते हैं कि महाकाव्य जिस समय महाकाव्य की रचना हो रही थी उस समय वो युग किस प्रकार आज के युग से जटिलता में कम था। अब रामायण का कोई भी चरित्र लीजिए, रावण लीजिए, वो रावण पापी था, मतलब पापी था, ऐसा नहीं कि वो दिखावे कि एक पुण्यात्मा जैसा करता था और आचरण पापी का करता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आपने अगर मानसरोवर का हंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किस प्रकार एक सन्यासी का वेश धारण करके लोग हंसों को मारते हैं। ये बहुरूपिया हो गए हैं, आज का समाज बहुरूपिया समाज है, जिसका पूरा पूरा आभास साहित्य में भी होता। आधुनिक काल जो है ये उपन्यास का काल है, क्योंकि उपन्यास उस जटिलताओं को वाणी देने में समर्थ है, महाकाव्य समर्थ नहीं है। इस युग की जटिलता के कारण ही उपन्यास इस आधुनिक युग की प्रतिनिधि रचना बनकर, विधा बनकर उभरा है। उपन्यास गद्यात्मक विधा है जिसमें अनेक प्रकार की सामाजिक जटिलताओं को भाषा के अनेक स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। महाकाव्य में यह संभव नहीं है। दूसरी बात है, महाकाव्य में अभिव्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति महाकाव्य अमूर्तनों का सहारा लेकर करता है, जबकि गद्य में वह मूर्त अभिव्यक्ति पाता है। ये महत्वपूर्ण है, जब प्रतीक और बिंब का सहारा लेकर हम किसी बात को कहते हैं तो समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जब सीधी उसे बात उसी बात को कहते हैं तो बड़ा वो बात बड़ी आसान होती है। आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत में कुंतक ने कहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्य का जीवन ही वक्रोक्ति है, वो काव्य के लिए लागू है। जब काव्य गद्य विधा के रूप में सामने आता है तो सीधी बातें होनी चाहिए। उपन्यास की अभिव्यक्ति क्षमता अन्य गद्य विधाओं की तुलना में भी अधिक है। उपन्यास में यथार्थ की प्रस्तुति कोई छायाचित्र के समान नहीं होता। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि उपन्यास में जो यथार्थ है उसका चित्रण एकदम फोटो जैसा होता है, आपने क्लिक कर लिया और वो फोटो जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, वैसा नहीं है। ये इसकी प्रस्तुति एक सृजनात्मक चित्रात्मक प्रस्तुति है, जिसके लिए उपन्यासकार को अपने कथाशिल्प की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अंतर्वस्तु और कथाशिल्प में शरीर और आत्मा का संबंध है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि अंतर्वस्तु और कथाशिल्प में शरीर और आत्मा का संबंध है, दोनों उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्वस्तु उपन्यास की आत्मा है और कथा वस्तु उसका शरीर। शरीर इसीलिए आवश्यक है, शरीर ही अपने सौंदर्य से सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथाशिल्प ही अपने सौंदर्य से उस उपन्यास की अंतर वस्तु को समझने के लिए पाठक का ध्यान आकृष्ट करता है। शरीर, आप जैसे कहते हैं ना, आप देखने में बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आप देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये सुंदरता बाहरी सुंदरता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है, उसके बाद लोग जानते हैं आप कैसे हैं। पहले आपके व्यक्तित्व तो नहीं जानते, पहले आपके शरीर की जो रूप वैभव है, जो रूप आपके चल चलन है, आपका स्वभाव है, आपका ड्रेस है, आपके कहने का तरीका है, उसके बारे में जानते हैं। यही उपन्यास का कथाशिल्प है। और आत्मा जो आपके आपका मन कैसा है, स्वच्छ है या नहीं, जब आपके संदर्भ में आपके संसर्ग में लोग आते हैं तब तो जानते हैं कि ये आदमी बहुत दमदार आदमी है, जो कहता है वो सब करता है, बाद में जानते हैं। पहले आपके शरीर की आकर्षिता से आकर्षित होकर, शरीर के आकर्षण से आकर्षित होकर लोग आपके प्रति अपना जो क्या है, आप अपना लगाव पेश करते हैं। दूसरा, शरीर अर्थात कथाशिल्प तक पहुंचने के बाद ही आत्मा यानी अंतर वस्तु की खोज होती है। सबसे पहले हम शरीर तक पहुंचे, उसके बाद
आत्मा की खोज होगी, इसीलिए कथा शिल्प को जाने फिर अंतर्वस्तु की जानने की जानने में हमें सुविधा होगी। सीरत की पहचान सूरत से होती है। सूरत कभी देखिए, ये साहित्य की दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ कहा जाता है कि सीरत सीरत की पहचान सूरत से होती है। कभी कभी होता ऐसा है कि सूरतें या शक्लें हमें धोखा दे जाती है। लगता तो भोला भाला है लेकिन इतना बदतमीज इतना कहिया है कि कहाँ नहीं जा सकता। कभी कभी हम धोखे में आ जाते हैं। साहित्य में भी ऐसा होता है लेकिन उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें सूरतें और सीरत इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उपन्यास में ये फर्क बहुत कम महसूस होता है। ज्यादातर उपन्यास की सूरत और उसकी सीरत दोनों एक जैसा है, या यूं कहिए उपन्यास की सूरत उनकी सीरत का आईना है, द मिरर ऑफ द उपन्यास। जिसे जैसे साहित्य को मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, उसी प्रकार आप इस शरीर को यानी कथा शिल्प को अंतर्वस्तु का आईना कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। जिंदगी नामा के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि उसकी अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का कैसा संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में हमें ये जानना जरूरी है कि उसकी अंतर्वस्तु और कथा शिल्प में क्या संबंध है। क्या यह संबंध सहज स्वाभाविक है या फिर अंतर्वस्तु कथा शिल्प में कहीं कोई पेंच है, कोई कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई असुविधा है। जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु को जाने। जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु पर विचार करने से पूर्व हमें रचना के विषय और उनकी अंतर्वस्तु के बीच जो अंतर है उसे समझना जरूरी है। यानी अंतर्वस्तु यानी यूं कहिए कि विषय और अंतर्वस्तु, मैंने पहले ही संकेत कर दिया है, विषय जो है सब्जेक्ट मैटर है और अंतर्वस्तु जो है वह थीम है। इन दोनों में क्या अंतर है आप जानिए। जिंदगी नामा का विषय है, जिंदगी नामा का विषय क्या है और उसका अंतर्वस्तु क्या है, उसकी अंतर्वस्तु क्या है, इसे समझिए। जिंदगी नामा का विषय है अविभाजित पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण। यानी जब ये नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, तब उस समय भारत में पंजाब था और वो अविभाजित पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण जो हुआ है जिंदगी नामा में, ये उसका विषय है। लेकिन अंतर्वस्तु क्या है? अंतर्वस्तु है कि उस पंजाब प्रांत की साझी संस्कृति, गांव डेरा जट्टा की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, चौपालों में व्यक्त वहां के लोगों की विविध प्रतिक्रियाएं, स्वाधीनता संग्राम और देश प्रेम की अनुगुंजे, कुछ लोगों के दुस्साहसिक कारनामे, शाहों की जिंदगी या उतर चढ़ाव। यानी विषय अभिभाजित पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण है लेकिन अंतर्वस्तु क्या है ना, ये सारी चीजें हैं। यानी अंतर्वस्तु व्यापक होकर विषय के अंतर्गत सन्निहित होता होती है। अंतर्वस्तु की परिभाषा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपके माइक म्यूट है, उसे अनम्यूटेबल कीजिएगा सर। हो गया। जी जी सर, आ रही सर। अच्छा ठीक है। अंतर्वस्तु की परिभाषा, ये अंतर्वस्तु और विषय इन दोनों को जानने के बाद अभी हमें इसकी अंतर्वस्तु की परिभाषा क्या है, क्या विद्वानों ने अंतर्वस्तु की क्या परिभाषा दी है। वस्तुतः किसी रचना का विषय, ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थी मित्रों, वस्तुतः किसी रचना का विषय जब रचनाकार की निजी दृष्टि से भापित और छालित, भावित और छालित,
इन दोनों शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, जब हम भावना भावित यानी जब सोचते हैं, भावते हैं यानी भावते हैं, भावना करते हैं, और ख्यालित जब उसे परिप्रकाश करते हैं। ख्यालित होकर रचना में प्रस्तुत होता है तो वह उसकी अंतर्वस्तु बन जाता है, यानी विषय जो है अविभाजित पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण, ये विषय है, और अंतर्वस्तु जो है उसके अंतर्गत डेरा जट्टा गांव की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, पंजाब की शादी साझी संस्कृति, स्वाधीनता संग्राम और देश प्रेम की अनुगुंजें, कुछ लोगों के दुस्साहसिक कारनामे, शाहों की जिंदगी का उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें जो है ये अंतर्वस्तु के अंतर्गत है। मैंने पहले ही संकेत कर दिया था मेरे मित्रों कि जिंदगी नामा एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, जिंदगी नामा एक प्रतीक है, जिंदगी नामा का जो शीर्षक है उसमें एक उपशीर्षक है जो पहला भाग है जिसे कहते हैं जिंदा रूख, उसके दो भाग हैं, हमने इसकी चर्चा की है, पहला भाग जो है जिंदा रूख, जिंदगी नामा और जिंदा रूख काफी गहरे स्तर के प्रतीकात्मक स्वरूप के द्योतक हैं। जिंदगी नामा से क्या ध्वनित तो होता है, पहले नाम के बारे में जानिए, क्योंकि व्यक्ति का नाम जैसा होता है उसी के अनुरूप उसका गुण होता है, हालांकि आजकल ये विषय थोड़ा विषयांतर है, क्योंकि किसी का नाम गंगा है उसे मांगते हैं पानी लेकर आओ वो पानी नहीं देती, किसी का नाम सुदर्शन है वो देखने में बड़ा आदर्शन है, किसी के नाम दीनबंधु है लेकिन वो गरीबों पर बिल्कुल ही दया नहीं करता, ये अलग बात है, लेकिन ये कृति का जहां तक सवाल है जिंदगी नामा, इससे एक ध्वनित होता है कि एक विशेष कालखंड का, विशेष चरित्रों का, विशेष परिवेश का आख्यान है। ये तीन चीजें हैं, एक तो विशेष कालखंड का, विशेष चरित्रों का, विशेष परिवेश का आख्यान है, लेकिन यह विशेष कालखंड, विशेष चरित्र और विशेष परिवेश है क्या, इसको जानना जरूरी है कि विशेष चरित्र क्या है, विशेष कालखंड क्या है और विशेष परिवेश क्या है, इसकी चर्चा हम अंतर्वस्तु के अंतर्गत करेंगे। क्या है अविभाजित पंजाब की साझी जनसंस्कृति का आख्यान, गांव डेरा जट्टा का आख्यान, तीसरा है स्वाधीनता संग्राम और देश प्रेम का आख्यान, चौथा है पंजाबी चरित्रों के दुस्साहसिक कारनामों का आख्यान, पांचवा है शाहों की जिंदगी का आख्यान। तो अंतर्वस्तु के अंतर्गत इसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। अविभाजित पंजाब की साझी जनसंस्कृति का आख्यान, उपन्यास के आरंभ और अंत में समर्पण की चेतना गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु भी हैं, उनका एक फारसी भाषा में उनका जो कथन है वहीं से उपन्यास का आरंभ होता है, वो कथन इस प्रकार है जिसका संकेत हमने किया था, चूं कार अज हम्मा हिलते दर गुलजस्त हल्लालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त, जिसका अर्थ है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सकें तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। कृष्णा जी ने इसी पंक्ति का भावार्थ को लेकर अंतिम में, इसी चीज को अंतिम में भी दिया है, कृष्णा जी ने दी है, तो उन्होंने कहा है कि शाहजी के मुख से ये कहलवाया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के जुल्म, जोर जुल्म को देखकर उनके पास एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर नहीं होते तब जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है, अपराध नहीं है, वो न्यायोचित अधिकार है। उपन्यास के आरंभ और अंत में अंकित गुरु गोविंद सिंह का यह संदेश लेखिका का अपना सरोकार है, यानी अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति लेखिका के मन में एक ऐसा समर्पण है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाबी लोकमानस की सांस्कृतिक दृढ़ता भगीरथी की तरह बही पनपी और फैली है, इसमें चनाब और जेहलम की धरती के, पंजाब की खिलदंडी हीरों के, मेहनती किसानों के, बैसाखी लोहड़ी आदि त्योहारों के, पंच दरियादों के, पंजाब के जिंदा रूख को उजागर किया गया है। जिंदा रूख जो कि जिंदगी नामा का पहला भाग है, बार बार हम कह रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइए,
जिंदा रुख जो कि जिंदगी नामा का पहला भाग है, वह पंजाब की साझी जनसंस्कृति का प्रतीक है। मैंने पहले कहा कि उपन्यास प्रतीकात्मक उपन्यास है और ये जिंदा रुख भी प्रतीक है। किसका? ना 1947 तक यानी देश के विभाजन होने तक ये जिंदा रुख एक प्रतीक, एक पेड़ का प्रतीक है जो अपने पूरे खूबसूरत रूप में खिला फला और फूला था, जो अपने नीचे बसे लोगों की सुरक्षा था, उनके लिए ठंडी छांव था। लेकिन विभाजन के बाद सब गड़बड़ हो गया, अब जानते हैं। इस प्रतीक रूप के विस्तार में लेखिका ने उपन्यास के पहले हिस्से में पंजाबी लोक साहित्य में प्रचलित रूप बारहमासा का भी प्रयोग किया है, उसी शैली को भी अपनाया है। दूसरा है इस अंतर्वस्तु की जो दूसरी कथा, वह है गांव डेरा जट्टा का आख्यान। जिंदगी नामा का शाब्दिक अर्थ है जीवन कथा। देखिए नाम, उसके नाम सार्थकता को समझिए। जिंदगी नामा का ये शाब्दिक अर्थ है जीवन कथा, जीवन की कहानी। कृष्णा जी ने अपने उपन्यास को एक प्रतीक के रूप में बुना है। अपने प्रतीक को मूर्त रूप देने के लिए लेखिका ने गुजरात जिले का, गुजरात जो आजकल गुजरात नहीं है, अविभाजित पंजाब प्रदेश का वो गुजरात है, पंजाब प्रदेश का गुजरात जिला, उसका एक गांव है डेरा जट्टा, उसी गांव को चुना। ये लेखिका का संभवतः अपनी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसी भावात्मक लगाव बहुत कम लोगों का होता है, और जिनका होता है वे अक्सर चर्चा में होते हैं। इसी कारण कृष्णा जी भी चर्चा में हैं। देखिए भगवान राम, एक प्रसंग है कि भगवान राम को अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी थी। जब लंका विजय के बाद लक्ष्मण ने कहा ये सोने की लंका है, यहाँ बैठ जाते हैं तो बस जाते हैं, तो राम ने कहा, भगवान राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नमां रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये कहकर आए। और जन्मभूमि के प्रति कृष्णा जी का ममत्व देखिए, भगवान कृष्ण का भी ऐसा ममत्व था। उद्धव से भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाहि हंसा सूता की सुंदर कगरी अर कुंज नकी छाही। तो इसीलिए जिन व्यक्तियों की ममता अपनी जन्मभूमि के प्रति होती है, उनका लगाव अपनी मातृभूमि के प्रति होती है, वो महान होते हैं। कृष्णा जी भी हैं। डेरा जट्टा गांव पंजाब प्रांत के गुजरात जिले का एक बहुत बड़ा गांव है, जिसकी आबादी में जाट भी हैं, फौजी भी हैं, हिंदू साहबी हैं, मुसलमान भी हैं, सब रहते हैं मिलजुल कर। जबकि सबकी आर्थिक सामाजिक दर्जाबंदी में भेदभाव मौजूद है, फिर भी साहू का गांव पर वर्चस्व है, यानी साहू का बड़ा वर्चस्व है। लगभग सारा गांव उनके कर्ज तले दबा हुआ है, पर इस विडंबना को साहा ने अपने सामाजिक व्यवहार और सद्भावना और सरपरस्ती की भावना से ढक रखा है। जहां कहीं भी उनके सोच अपनी चतुराई से थोड़ा बहुत कर देते हैं और अपने बीज को ही नष्ट कर देते हैं, अपने उनके खिलाफ जो आता है विद्रोह नष्ट कर देते हैं। साहब बड़े चतुर होते हैं। हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपरा में अक्सर ये बातें लिखी गई है कि जब विद्रोह को दमन करने की क्षमता जिनमें होती है, वे अपने आप कामयाबी हासिल करते हैं, बड़ी अच्छी कामयाबी उन्हें मिलती है। और साहू को भी ऐसी कामयाबी मिली है। उनकी चालाकी का अंदाजा आप इसी बात से लगाइएगा कि 100 रुपए लेकर ये गांव में आए थे, और आज आसपास के अनेक गांवों की अधिकांश जमीनी के अकेले मालिक हैं ये शाह। इस उपन्यास के केंद्र में शोषण नहीं है और न ही व्यापक स्तर पर देश का स्वतंत्रता संग्राम ही है। उपन्यास की केंद्रीय धुरी गांव की साझी सांस्कृतिक जिंदगी की विविध झलकियां दिखाने में है।
तीसरी महत्वपूर्ण चीजें जो है इस अंतर्वस्तु में है वो है स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम का आख्यान। उपन्यास में वर्णित कालखंड 1907 से लेकर 1914-15 तक का है। इसी बीच की घटनाओं को लेकर ये उपन्यास रचा गया है। यानी यूं मानिए कि एक दशक से भी कम कथा को इसमें सम्मिलित किया गया है। बड़ी संवेदना के साथ कृष्णा जी ने इसे प्रस्तुत किया है। वीरतापूर्ण देश प्रेम की घटनाओं का उल्लेख भी इसमें है। एक तो 1905 का बंग भंग और 1911 का बंग ऐक्य, दूसरा है 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का देश निष्कासन, तीसरा है 1909 में मदनलाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दिए जाने की चर्चा, चौथा है 1914 में गद्दर और गद्दारी इनकलाबियों की चर्चा, पांचवा है पंजाबी कवि जिन्होंने एक फेमस गाना लिखा पगड़ी संभाल जट्टा, उसके रचयिता लाल चंद फलक को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करना, उसकी चर्चा, फौज की शहीद रेजिमेंट और देसी सिपाहियों द्वारा अंग्रेज सिपाहियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं की मांग करना, जिसके जिसके चलते देश भारतीय फौजों को भारतीय फौजियों को रेजिमेंट से निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी कथा आती है। गुजराती वकील गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध की चर्चा, यानी ये तमाम चीजें अंतर्वस्तु की अंतर्गत आती है और ये स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम के आख्यान से जुड़ा हुआ है। इन सभी घटनाओं तथा प्रसंगों का वर्णन देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति कृष्णा जी के लगाव को सूचित करता है। चौथी अंतर्वस्तु जो है वह है पंजाबी चरित्रों के दुस्साहसिक कारनामों का आख्यान। पंजाब के ग्रामीण जीवन में दुस्साहसिक चरित्र अक्सर पाए जाते हैं। जिंदगी नामा के डेरा जट्टा गांव और उसके आसपास के गांव में भी ये चरित्र पाए जाते हैं। नंबर एक, शाह परिवार के ही तारा शाह द्वारा विधवा बरकती को भगाना और उसके तेली पिता महीपत के परिवार को कत्ल के आरोप में फंसाना, लौंडे खां द्वारा पिता के कत्ल में शामिल और अपनी माँ के प्रेमी चाचा की हत्या करना, ये तमाम चीजें हैं। पांचवी अंतर्वस्तु जो है शाहों की जिंदगी का आख्यान। उपन्यास की मुख्य कथा शाह परिवार में सगे भाइयों बड़े शाह छोटे शाह को लेकर आगे बढ़ती है। शाह काशी शाह के घर पर केंद्रित है। दोनों भाई संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। दोनों बड़े शाह की एक पत्नी है जिसका नाम गौरवा है, वो गुजर चुकी है, जिसकी छाया कभी कभी उनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम सहानी है उन्हें परेशान करती है। बड़े साहा हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं है। उनके मन में संतान सुख के लिए लालसा जगी हुई है। तीसरी शादी का अरमान भी है लेकिन सहानी सौत को झेलना नहीं चाहती, इसलिए बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव देती है। कुछ समय बाद वह स्वयं सहानी फिर कुछ समय के बाद गर्भवती होती है और बाद में बेटे लाली को जन्म देती है। छोटे शाह छोटा भाई जो है कासिम शाह अब तो साधु प्रवृत्ति के हो गए हैं। अब वे अपनी पत्नी बिंद्रा देई का अंग नहीं छूते, लेकिन अब उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है गुरदास दूसरे का नाम है केशव। वे व्यापार में भाई की सहायता तो करते हैं लेकिन धन का लालच उन्हें नहीं है। शाह परिवार की जो कथा है उपन्यास में जरा जट्टा गांव की कथा के प्रमुख अंग के रूप में सामने आता है। यानी आप देखिए ये जो अंतर्वस्तु है अंतर्वस्तु में ये तमाम चीजें हैं जो कि उपन्यास की आत्मा है। जिसे हमने बताया, एक तो पंजाब की साझी संस्कृति है, दूसरी है जरा जट्टा गांव का आख्यान, तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम का आख्यान, चौथा है पंजाबी चरित्र के दुस्साहसिक कारनामा का आख्यान और पांचवा है साहों की जिंदगी का आख्यान। ये तमाम चीजों को लेकर एक अंतर्वस्तु तैयार हुई है जिंदगी नामा की। अब बात करते हैं जिंदगी नामा के कथाशिल्प का। कथाशिल्प की बात करते हैं जिंदगी नामा की। जिंदगी नामा जैसे सांस्कृतिक उपन्यास की रचना किसी भी लेखक के लिए सृजन के स्तर पर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। यद्यपि उपन्यास में वर्णित कालखंड बहुत विशाल नहीं है, मैंने पहले ही संकेत कर दिया है एक दशक से भी कम कालखंड का ही ये उपन्यास है, लेकिन फिर भी इसमें ऐतिहासिक प्रसंग इतने अधिक है
कि एक दशक के कालखंड के भीतर भीतर सदियों की कहानी समाहित है, ऐतिहासिक संदर्भ समाहित है। शिल्प के स्तर पर जिंदगी नामा में वर्णित ऐतिहासिक संदर्भ भी एक बड़ी चुनौती है। अतः लेखिका ने उपन्यास का शिल्प बड़ी सजगता और कौशल से निर्मित किया है। कृष्णा जी ने कथा शिल्प का विकास इन बिंदुओं को केंद्र में रखकर किया है। कौन कौन से बिंदु हैं कृष्णा जी ने जिन्हें सामने रखकर कथा शिल्प का विकास किया? एक तो विवरण क्रम की अपेक्षा दृश्यावली क्रम में प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज को विवरण के रूप में पढ़ते हैं तो उसमें रुचि नहीं होती। उपन्यास के संदर्भ में भी यही है। जब दृश्य के रूप में, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है जो घटनाकालिक चीजें हैं, जो घटनाकालिक बातें होती हैं, वो ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा कारगर होती है। इसीलिए उपन्यासकार कृष्णा जी ने, उपन्यासिका कृष्णा जी ने, लेखिका कृष्णा जी ने, उन्होंने विवरण क्रम की उपेक्षा दृश्यावली क्रम में उसका प्रस्तुतिकरण किया है। उपन्यास का आरंभ लेखिका ने गांव में शरद पूर्णिमा की रात की चित्रात्मक प्रस्तुति से किया है। चित्रात्मक प्रस्तुति से उपन्यास प्रारंभ होता है। पूरा एक दृश्य शरद पूर्णिमा की रात का सजीव होता है उपन्यास में। बड़े लाल पूरे गांव के स्त्री पुरुषों को इकट्ठा करके लंबी कथा सुनाते हैं। इस कथा में श्रोता के रूप में जो है उनमें से अधिकांश बच्चे हैं और औरत हैं। बच्चों का प्रश्न प्रति प्रश्न के उत्तर से माहौल अत्यंत रोचक बन जाता है, जो अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है। क्योंकि बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, बच्चे ही प्रश्न करते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है कि ये प्रश्न पूछूंगा तो क्या लोग सोचेंगे। उन्हें कोई ये शर्म नहीं होती कि हमें लोग सोचेंगे कि हमने, अरे इन्हें इतना तो नहीं आता। ये उनको बिल्कुल इसकी कोई चिंता नहीं है, वो प्रश्न प्रति प्रश्न करते हैं और उसी के रोचक दृश्य से कथा आगे बढ़ती है। इस दृश्य के बाद पूरा उपन्यास दृश्यों के एक एक क्रम के रूप में संजो आगे बढ़ता है। एक एक दृश्य को लेकर, एक एक दृश्य को जैसे उपन्यास में संजोया गया है। उपन्यास में खंड या अध्याय आदि का विभाजन नहीं है। करीब 350 पृष्ठ के इस बृहत उपन्यास में जैसे मानो दृश्यों की लड़ी लगी हुई है। पूरी कथा करीब 62 दृश्यों में प्रस्तुत की गई है। 62 दृश्यों में कथा प्रस्तुत की गई है। दृश्य इसीलिए है, उसमें अध्याय नहीं है, उपन्यास में दृश्य है। 62 दृश्य में पूरी कथा प्रस्तुत की गई है। इन दृश्यों में गांव में भोर होने से रात होने तक की सभी क्रियाकलापों के दृश्य बड़ी चित्रात्मकता के साथ प्रस्तुत है। यानी मंदिर कब खुलता है, गुरुद्वारा कब खुलता है, गांव में किस प्रकार का वातावरण है, इन तमाम चीजों का वर्णनात्मक विवरण नहीं दिया जाता, बल्कि उन चीजों का क्या दिया जाता है, उन चीजों का दृश्यात्मक विवरण दिया जाता है। यानी दृश्य के रूप में जब उसका वर्णन लेखिका करते हैं, लगता है इसे पढ़ते हुए जैसे हमारे सामने ये दृश्य चलचित्र के भांति आगे आ रहे हैं। दूसरा कथा की जो दूसरी चीजें हैं कथा शिल्प की, वह है चौपाल चर्चा या मजलिस। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। गांव संस्कृति में चौपाल अवश्य होती है, जहां बैठकर गांव के लोग, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, आपसी वार्तालाप करते हैं। इस उपन्यास में भी वह है। इसमें जिंदगी नामा उपन्यास में चौपाल चर्चा का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से एक कथा के भीतर अनेक कथाओं को गुम्फित किया गया है। डेरा जट्टा गांव में यह मजलिस साहू की बैठक या बाहर खुले चबूतरे पर जुटती है। यहाँ ज्ञान से लेकर अफवाहों तक सबकी चर्चा होती है। सबकी यानी ज्ञान की चर्चा होती है, अफवाहों की चर्चा होती है। बैठक में तो वही होती है कि ज्ञान की भी चर्चा हो और अफवाहों की भी चर्चा हो। इस चौपाल चर्चा द्वारा उपन्यास की मुख्य कथा को आगे बढ़ाया गया है। कुछ गौण कथाएं भी उसमें साथ जोड़ दी गई हैं। तीसरी कथा शिल्प में तीसरी बात यह है कि लोक शैली में इतिहास विवरण।
ये मैंने पहले बताया था, ये जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है। कुछ लोग इसे आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं, लेकिन आंचलिक उपन्यास इस अर्थ में वो कम है और सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास ज्यादा है, क्योंकि इसमें संस्कृति और इतिहास दोनों को पिरोने का प्रयास हुआ। जिंदगी नामा यद्यपि एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, फिर भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों को, जैसे रणजीत सिंह का संदर्भ हो, जिसे सोबती जाति की यूनानी पृष्ठभूमि का संदर्भ हो, 1857 और 1400 1857 और 1914 के देश के क्रांतिकारी आंदोलन हो, गुरु गोविंद सिंह आदि सारी चीजों को इसमें इस कथा में पिरो कर प्रस्तुत किया गया है। लोक भाषा चौदह, इसके बाद जो अगली विशेषता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, आप ध्यान दीजिए कि उसमें कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है भाषा की। भाषा कथा को आगे, भाषा क्या है, आपने भाषा विज्ञान में पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं। साहित्य में भी भाषा काल, उपन्यास में भी, हर रचना में भी भाषा का अपना विशेष महत्व है। लोक भाषा यानी पंजाबी भाषा का प्रयोग इस उपन्यास में बहुत अधिक हुआ। जिंदगी नामा उपन्यास की रचना हिंदी भाषा में हुई है, पर पंजाबी भाषा का लेखिका ने सहज रूप में जानबूझकर पंजाबी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग इस उपन्यास में किया। अगर आज इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे, मूल उपन्यास को, तो आपको ये बात स्पष्ट, आपके सामने स्पष्ट रूप से ये बात आ जाएगी, स्पष्टता आएगी कि इसमें पंजाबी भाषा का किस प्रकार अधिकाधिक प्रयोग हुआ। इससे आंचलिकता मूर्त हो उठी है, इसे इसी भाषा को पढ़ने के उपरांत लगता है जैसे उपन्यास में आंचलिकता आ गई है। अपनी भाषा प्रयोग के कारण दो चीजें, ये पंजाबी भाषा प्रयोग के कारण दो चीजें सामने आई। एक तो पंजाबी भाषा आने के कारण ये उपन्यास पंजाबी भाषा भाषी लोगों के लिए आकर्षक बन गया। दूसरी बात यह है, पंजाबी के अलावा जो लोग हैं, पंजाबी के अलावा जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो हिंदी उपन्यास को पढ़ते हैं, उनके लिए ये दुरू हो गया, उनके लिए क्लिष्ट हो गया। जैसे आप देखिए, मैलांचल को जब आप पढ़ते हैं आंचलिक उपन्यास के तौर पर, उसमें आपने देखा होगा जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो मुंगेर के आसपास की भाषा है, क्योंकि आंचलिक उपन्यास या यूं कहिए सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास, जिसे जिसे खासतौर पर आंचलिकता की पूर्ण दी जाती है, फिर से हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमेशा कृष्णा जी नए प्रयोग करने में विश्वास करती हैं, और इस उपन्यास में भी उन्होंने कुछ नया प्रयोग ही किया है। इससे उन अपनी उन्होंने उन उस भाषा का प्रयोग किया है जो अधिक जनजीवन के साथ, उस इलाके के जनजीवन के साथ जिसकी संपृक्ति हो। ये अंतिम पॉइंट है जो कथा के साथ जुड़ी हुई है, कथा शिल्प के साथ, वह है चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली क्या है? अभी जब हम उपन्यास की चर्चा कर रहे थे, जब हम उपन्यास की बात हमारी बात हो रही थी, तब हमने ये कहा था कि दृश्य की भांति, चित्र की भांति कथा को आगे बढ़ाना ये चित्रात्मक शैली है। यानी कथा को पढ़कर, कथा को पढ़ते हुए, उपन्यास को पढ़ते हुए हमें लगे कि जैसे कोई दृश्य हमारे आंखों के सामने गुजर रहा है। कथा को पढ़ते हुए, उपन्यास को पढ़ते हुए हमें इसका एहसास हो कि जैसे कोई विवरण नहीं है, जैसे सारी घटनाएं हमारे सामने ही उपस्थित हैं। इसे चित्रात्मक शैली कहते हैं। उपन्यास में यूं कहिए कि जिंदगी नामा उपन्यास में चित्रात्मक शैली का भरसक प्रयोग कृष्णा जी ने किया। तो इन बातों के साथ जो हमारा विषय था जिंदगी नामा से संदर्भित,
दो यूनिट हमने आज के लिए रखा था, और फिर अगले क्लास में 2 यूनिट रखने का प्रावधान है। और जैसे कि अभिषेक जी ने हमें बताया था, कुछ प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा, तो इसी और हम रुक करते हैं। मैडम स्वागतिका, मैडम अगर मेरी बात सुन पा रही हैं, मैडम हेलो। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर, अभिषेक कह रहा हूँ सर। यस सर, हाँ, तो उस दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि अभी ये जो 2 यूनिट लगभग समाप्त है और समय भी समाप्त की कगार पर है, तो जी आगे। सर, निश्चित निश्चित, मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, सर विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसे मैं जी आपके समक्ष रखता हूं, और विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आगे अगर कोई और प्रश्न हो तो वो वहां पर चैट बॉक्स में लिख सके। तो पहला प्रश्न सर जो विद्यार्थियों ने पूछा है जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जी एक विद्यार्थी पूछते हैं कि ये लड़की जो उपन्यास है, जी या हम लोग लघु कहानी का, वो कहते हैं ये लड़की उपन्यासिका है। तो उपन्यास तो मालूम है, पर उपन्यास और उपन्यासिका में क्या भिन्नता है, एक विद्यार्थियों का ये पूछना है। ठीक है। उपन्यास और उपन्यासिका में अंतर यह है कि एक महिला कथाकार, मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही है तो वो जी सर, समझ, निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी आपकी बात सुन रहे हैं सर। अगर एक महिला कथाकार एक महि रचना किसी काव्य की कहानी की रचना करती है, तो जैसे हम कहते हैं वो कवयित्री है, कवि नहीं है, या फिर आजकल महिला कवि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उपन्यासिका जो है उसमें आपने उसमें उन्होंने उन्होंने पढ़ा है, इसीलिए चीजें उन्होंने पूछा, उसमें बार बार ये चीजें आती हैं। आप उसे कहानी भी कह सकते हैं, लंबी कहानी भी कह सकते हैं, और लंबी उपन्यासिकाएं। उपन्यासी उपन्यास और उपन्यासिका में एक तो भाषाई स्तर पर अंतर है, एक उपन्यास पुल्लिंग शब्द है और उपन्यासिका स्त्रीलिंग शब्द है। जो तत्व के स्तर पर अंतर है, ये उपन्यास से छोटा होता है, जिसे आप लघु उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें आप तो लिंग के बारे में जानते होंगे मेरे मित्रों, कि जो जिसमें मुलायमता होती है, जिसमें कोमलता होती है, वो स्त्रीलिंग में इसकी गिनती होती है, और जो जिसमें सख्तपन होता है, जिसमें कड़ाव होता है, वो पुल्लिंग में उसकी उसकी गणना होती है। जहां तक इस उपन्यासिका का प्रश्न है, ये आकार में छोटा है, इसीलिए तत्व में कोई भेद नहीं है, आकार की दृष्टि से उपन्यास और उपन्यासिका में अंतर है। हाँ, मेरी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ हेलो सर, जी सर, हाँ जी सर, निश्चित रूप से आपकी बातें विद्यार्थियों तक पहुंची हैं और विद्यार्थियों से बहुत लाभान्वित हुए हैं। अगले प्रश्न है, विद्यार्थी पूछ रहे हैं जो उसी से जुड़ी है, पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि लघु उपन्यास क्या है, मतलब वो लघु उपन्यास के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि उपन्यास और लघु उपन्यास किन किन रूपों में, या किस किस वो आधार है जिनके रूप में हम उपन्यास को लघु उपन्यास कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लघु से ही स्पष्ट है, जैसे कथा और लघु कथा, जैसे कविता और लंबी कविता, जैसे कहानी और लंबी कहानी, यानी जो आकार से बड़ा है वो कहानी है, तमाम तत्व उसी कहानी के जो तत्व होते हैं, लंबी कहानी के भी वही तत्व होते हैं, लेकिन जब उसका आकार बढ़ जाता है तो लंबी कहानी हो जाती है। वही लंबी कहानी जब बढ़ जाती है तो उसके तत्व में थोड़ा बहुत अंतर आता है, और थोड़ा बहुत अंतर के साथ वो लघु उपन्यास का रूप ले लेता है। यानी तत्व में क्या अंतर होता है, कहानी जो है जीवन के एक भाग को चित्रित करती है, और उपन्यास जो है महाकाव्य की भांति संपूर्ण जीवन को चित्रित करता है, लेकिन लघु उपन्यास जो है वो कहानी से थोड़ा अधिक चित्रित करता है और उपन्यास से थोड़ा कम, इसे इसीलिए उसे लघु कहा जाता है। ठीक है, जी सर, धन्यवाद सर। सर और एक विद्यार्थी पूछते हैं, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। संस्मरण और रेखा चित्र में देखिए, जो हमारी जो
दो चीजें हैं, एक मूलभूत चीज आप जानिए, संस्मरण किसी व्यक्ति, ये एकदम सही परिभाषा, आप मत मानिए इसे, लेकिन ये अपना मेरा जो दृष्टिकोण है वही बता रहा हूं। संस्मरण मुख्य रूप से व्यक्ति केंद्रित है, जीवन पर, जीवित व्यक्ति पर केंद्रित है, और रेखाचित्र मृत जीवित किसी पर भी लिखा जा सकता है, ये इसको दिमाग में रखिए। लेकिन इसकी जो परिभाषा है, जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में आते हैं, उनकी उनकी जो स्मृतियां हमारे दिमाग में होती हैं, उन स्मृतियों को जब हम शब्द रूपी जामा पहनाते हैं, पट पहनाते हैं, तो वह संस्मरण है। लेकिन उसी चीज को उसी संस्मरण ढंग से प्रस्तुत करते हुए भी, जब वह व्यक्ति वस्तु हमारे दिमाग में उनकी रेखाएं आ जाती है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके साथ मेरा संपर्क हुआ है, आपने मुझे देखा है, मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि आप डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती के बारे में कुछ लिखिए, तब आप जब लिखते हैं, अगर उससे मेरा शरीर का पूरा पूरा चित्र सामने आता है कि लंबा होकर, तिलक लगाकर, चश्मा लगाकर, ये चीजें आती हैं, तो ये स्मृतियां तो है, स्मृतियों के साथ साथ मेरे शरीर का या मेरे रूप रंग का जो एक चित्र रेखा के भांति खिंच जाता है, जिसे स्केच कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो रेखा चित्र है। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा एक और प्रश्न मैं है, एक प्रश्न ठीक लेता हूँ, एक विद्यार्थी ने पूछा, उसके बाद आप विद्यार्थियों को अनुमति है कि आप सीधे तौर पर प्रश्न पूछें। अंतिम प्रश्न मैं एक ले लेता हूँ, विद्यार्थी पूछते हैं कि जी। उपन्यास जिंदगी नामा जो है, उसके नामकरण के पीछे क्या कारण है कि कृष्णा सोबती ने ये नामकरण चुना, एक विद्यार्थी का ये प्रश्न। जिंदगी नामा के दो भाग हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है मेरे मित्रों, जिंदगी नामा के दो भाग हैं, एक भाग तो आप जानते हैं जिंदा रूप के नाम से है, दूसरा भाग जो है अभी तक तो नहीं आया है, यानी उस केवल बहुवचन पत्रिका में उसका प्रकाशन हुआ था, तो उसमें जिंदा रूप एक प्रतीकात्मक संकेतिक रूप है। जिंदा रूप, रूप का अर्थ क्या है? रूप का अर्थ है पेड़, जिंदा पेड़। जिंदा पेड़ क्या है ना, जिंदा पेड़ उसमें पंजाब की साझी जनसंस्कृति का प्रतीक है, जिस पेड़ के नीचे हर वर्ग का व्यक्ति, हर लिंग का, हर वर्ण का रह सकता था, आराम से रह सकता था, वो जिंदा रूप जो उसे छाए भी देता था, उसे सुरक्षा भी प्रदान करता था। और जहां तक जिंदगी नामा का प्रश्न है, जहां तक उन्होंने जिंदगी नामा पर मेरे विद्यार्थियों ने पूछा है, उसका अर्थ है जीवन कथा, जीवन की कथा, जिंदगी, जिंदगी जीवन है और नामा है कथा। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं समाचार, संस्कृत का शब्द है समाचार, अंग्रेजी का शब्द है न्यूज, उर्दू में वो है खबरनामा, खबर भी वही है, समाचार भी वही है, लेकिन नामा जुड़ता है, क्योंकि ये जो है ये जिंदगी के साथ नामा, यानी जिंदगी की कथा, यानी जिंदगी उर्दू शब्द है और नामा भी उर्दू शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन की कहानी, यानी किस जीवन की कहानी ना, अविभाजित पंजाब प्रदेश की साझी संस्कृति की कहानी, जिसे आप जिंदगी नामा के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, जी सर, धन्यवाद सर। आपकी बातों को मैं ही एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सटीक कहा कि जिंदगी मतलब जहाँ नामा सब जुड़ता है, क्योंकि इस दौर की जब हम उपन्यास को देखते हैं जो मतलब एक है आधुनिक काल के प्रेमचंद के बाद वाले युग की, तो वहाँ पे ज्यादातर उपन्यासों में जब हम पात्रों को देखते हैं तो नायक नायिका या खलनायक या इस तरह से एक उपन्यास को प्रस्तुत करने का कार्य किया गया, लेकिन जब हम जिंदगी नामा को वहीं देखते हैं तो स्वयं में बहुत ही अद्भुत और एक अनोखा सा उपन्यास है, क्योंकि इसमें किसी नायक या नायिका या किसी खलनायक को उस रूप में नहीं देखा गया, उसमें गांव को दिखाया गया जहाँ के लोग जिंदा दिली से जांबाजी से उससे जीते हैं अपनी जिंदगी को। बहुत सारी चीजें देखिए उसमें दिखाई गई हैं कि पर्व त्योहार लड़ाई झगड़े या सूदखोरों की या साहूकारों गरीब किसानों को, लेकिन एक बहुत बेहतरीन चीज है कि लोग वहाँ जिंदगी बहुत बेहतरीन और जांबाजी से जीते हैं, मुझे जहां तक लगता है इस कारण हो सकता है। जीवन की कथा है, मैंने जो कहा कि वो जी जीवन की सर, कथा, देखिए 1954 के बाद जो दौर शुरू हुआ उपन्यास में, यानी मैलांचल से जो धारा बही वो आगे ही आगे बढ़ती गई, उसमें आप देखिए कि उपन्यास लेखक हैं, जो उपन्यासकार हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखा,
आप धरती धन अपना जो जगदीश चंद्र का उपन्यास को भी लीजिए, उसमें भी वही चीजें हैं। तो इनकी एक अनोखी चीजें ये है कि उन्होंने एक ऐसे अद्भुत कथा को पिरोया है जो अंतर्वस्तु के अंतर्गत गांव की बातें आई है, उसके साथ साझी संस्कृति भी आई है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की कथा भी कही जा रही है, पंजाबी के जो चरित्र हैं उनका चरित्र किसी साहसिक चरित्र है उसे भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तमाम चीजें यानी जीवन की कथा जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है, यानी पिंड में ब्रह्मांड को दर्शन कराने वाली चीजों को सामने रखने का ये उपन्यास है। जी सर, निश्चित रूप से। एक सर विद्यार्थी प्रश्न, हाँ मैं आपको समय देता हूँ, बस अंतिम अपनी बात रखता हूँ। एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं असित जी कि उपन्यासकार के रूप में कृष्णा सोबती के विशेषताएं क्या है। तो मैं उनसे यह कह दूं कि विशेषताएं के रूप में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे जब हम चरित्र नहीं विचित्र। जी सर, नहीं ये नहीं चरित्र, सुनो, नहीं नहीं और अगर उनकी जिज्ञासा है ऐसा, जी देखिए जी जी अध्यापक का धर्म नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी जो वेब क्लास कर रहे हैं, अगर उनके मन जी में जिज्ञासा है कि कृष्णा सेवती की क्या विशेषताएं हैं, जी तो ये पहली विशेषता कृष्णा सेवती की है, कभी कृष्णा सेवती ने किसी विषय को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया दूसरे उपन्यास में। जैसे आप लोग फिल्म में देख रहे हैं गदर पार्ट टू, और वो जो आता है फिर ये जो क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे कि टाइगर जिंदा है पार्ट वन पार्ट टू, उसी प्रकार नहीं है। उनकी कथा अलग अलग तरीके की होती है। जैसे आपका ये जो ऋतिक रोशन वाला जो फिल्म है जिसमें वो बढ़ता है आगे बढ़ता है, उसका दो तीन संस्करण आता है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके, क्रिस 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 फिल्म में जी जैसे चर्चा आती है एक पार्ट पार्ट। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत आप देखिए, अनेक उपन्यास को उठाइए, नौ उपन्यास को उठाइए, उसमें अलग अलग कथा है, अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग चरित्र हैं, यानी किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कबीर के विद्यार्थी हैं तो आपका प्रभाव दूसरे चीज लिखते समय कबीर का हो जाता है, आप तुलसी के हैं तो तुलसी का प्रभाव आ जाता है। लेकिन कृष्ण सेवती ऐसे एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने किसी भी उपन्यास में एक दूसरे का प्रभाव नहीं दिखाया, एकदम स्वतंत्र एकदम सटीक। यानी भोजन में खीरी खीरी की तरह बनी है, दाल दाल की तरह बनी है, सब्जी सब्जी की तरह बनी है, ऐसा नहीं कि मछली की सब्जी आपको मटन जैसी लग रही है, मटन की सब्जी आपको अलोन मछली जैसी लग रही है, ये बिल्कुल नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जी सर, सर धन्यवाद। नमस्ते, हाँ, कौन विद्यार्थी है कुछ प्रश्न अगर पूछना हाँ चाहे तो सर सीधे रूप पूछ रहा से सर से हूँ, पूछ। जी, पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो पहले व्यंग्य, पहले संजय पहले आपका नाम बताइए। कुमार सिट्टी, अजय कुमार सिप्पी, शायद आपका वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे दूर दूर तक पेड़ ही दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, शायद, हाँ, इसीलिए ठीक है, बताइए, आप बताइए, प्रश्न आवाज पूछिए, सुनाई दे रहा है सर। तो आप पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, आपकी सर आवाज आ मुझे, रही मेरा प्रश्न है कि ये जो व्यंगात्मक उपन्यास है। हम किससे कहते हैं, और ये लिखने का जो लेखक लेखकों का जो लिखने का पीछे उद्देश्य क्या है? व्यंग्यात्मक उपन्यास किसे कहते हैं, ये सबसे आपका ये प्रश्न है। व्यंग्यात्मक व्यंग्य क्या है, सबसे पहले आप जानिए व्यंग्य क्या है, ये जानेंगे तो व्यंग्यात्मक उपन्यास को समझना आपके लिए जरूर आसान हो जाएगा। व्यंग्य यह है, व्यंग्य एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से लेखक अपनी बात को आप तक यानी पाठक तक पहुंचाना चाहता है, उसकी पीठ पर करोड़ा मारना चाहता है, चाबुक लगाता है, लेकिन चिन्ह नहीं होता, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, इसे साहित्यिक भाषा में व्यंग्य कहते हैं। जैसे आपने इनका हरिशंकर परसाई का परसाई की कोई कहानी पढ़ी है, पढ़ी है, याद नहीं आ रही। ये कहानी उनकी बहुत चर्चित कहानी है, हाँ अब क्लास थ्री में है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मर जाता है, जो व्यक्ति मर जाता है, वो किस प्रकार भ्रष्टाचार के कारण यानी उसका पेंशन नहीं हो पाता और उसकी आत्मा यमलोक नहीं जा पाती, और
कट गया फिर। एक मिनट जोड़ रहा हूँ जी थोड़ा गड़बड़ वैसे आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा है। हो गया। जी, तो उसमें वो उसमें ये कहा जाता है कि देखिए वो किस प्रकार यमलोक नहीं गया और आकर उस फाइल में रह गया, और जब नारद जी ढूंढ ढूंढ कर आकर पहुंचे तब वो जवाब दे रहा है। ये व्यंग्य है, हमारे हमारे जो हमारी जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य है, यानी एकदम अपनी चीज को स्पष्ट करती है। आपने उनकी एक दूसरी कहानी लंका विजय के बाद रामराज, उसमें आजकल जो स्वतंत्रता सेनानी का डिंग भरते हैं और पैसा लेते हैं उन पर करारा व्यंग्य है। जो लड़ाई के लंका विजय के समय जब रावण से युद्ध हो रहा था, थोड़े बंदर छिप गए थे और राम जब तो विजयी बनकर आए तो उनके साथ ये आकर कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुलपति बनना है, मुझे तो अमुक बनना है। कुलपति उसे बनना है वो पढ़ाई के दौरान सबसे बदमाश था। तो ये व्यंग्य है कि आज व्यंग्य हुआ है। हेलो हाँ हेलो, हेलो सर, नमस्कार ये शायद कोई अभिषेक सर, मेरा जी। नाम अशोक कुमार पाणिग्रही हाँ बताइए अशोक जी बताइए। ये सर, नमस्कार। मैं पहले उन्होंने जो मुझसे व्यंग्य पूछा था ये मेरी बात आप तक पहुंची? जी हेलो, हाँ सर, जी बात बात समझ में आई? व्यंग्य हुआ है जी एक जी ऐसी बात है जिससे हमारे अंतरात्मा में ये चीजें आती हैं कि इसका एक गहरा प्रभाव है। जैसे इसका इसकी चोट हमारी अंतरात्मा को छूती है। व्यंग्य का चोट, व्यंग्य की जो चोट होती है हमारी अंतरात्मा को छूती है। साहित्य की यही सबसे बड़ी महत्ता है कि वो अंतरतम को स्पर्श करे। अंतरतम को स्पर्श करने पर ही, आपने जो आप जो कार्टून देखते हैं ना उसमें आपका अंतरतम को स्पर्श करता है। बहुत थोड़ी चीजों में बहुत कुछ कह देने की क्षमता व्यंग्य में है। ठीक, चलिए आगे। कोई कोई भाई साहब पाणिग्राही साहब बता रहे थे, पूछिए पाणिग्राही। हेलो सर, हाँ बताइए, नमस्ते। पर हम ये जो उपन्यास जिंदगी नामा को एक लंबी उपन्यास के रूप में मानेंगे या लघु उपन्यास के रूप में? ये ना ही ये लघु है ना ही ये लंबी है, ये तो उपन्यास ही है। मैंने कभी भी ऐसे लघु उपन्यास नहीं कहा, ना लंबा उपन्यास कहा है। ये उपन्यास है, उपन्यास के तमाम तत्व तो इसमें समाहित है। ये आकार की दृष्टि से बड़ा है, आकार की दृष्टि से बड़े छोटे से कोई लंबा या छोटा नहीं हो जाता। आपका हृदय बड़ा होना चाहिए तब आप बड़े हैं, अंतर वस्तु बड़ी होनी चाहिए तब आप बड़ी हैं। ठीक है, उपन्यास के साथ ही कोई। सर नमस्ते, मैं ग्लोरी। मैं हेलो, हाँ ग्लोरी बताओ। हेलो, सर ये हाँ जो जिंदगी नामा है वो एक कहा गया है कि ये आंचलिक उपन्यास जैसा है, मतलब ये पूरी तरीके से आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं जाता है, जबकि आंचलिक में ये होता है कि संस्कृति, जहाँ एक डेरा जट्टा गांव की इसकी संस्कृति पे ही ज्यादा जोर दिया गया है, इसकी जीने की शैली को ज्यादा जोर दिया गया है, तो ये आंचलिक के वर्ग में क्यों नहीं आ रहेगा, ये जैसा क्यों बिल्कुल कहा जा रहा है? सर, ये मैंने देखिए आंचलिक उपन्यास जैसा है, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए, जैसा है और है, इसमें अंतर है। जी, आंचलिक उपन्यास में अंचल नायक के रूप में आता है। यहाँ डेरा जट्टा गांव जो है वो नायक नहीं है। आपने मैलांचल पढ़ा है, उनिया जो गांव है वो नायक के रूप में आता है उसमें। यहाँ ये कथा जो है वो डेरा जट्टा गांव की इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, ये वहीं से शुरू होती है। अधिकतर कथा उसी की है, लेकिन उसमें अविभाजित पंजाब प्रदेश की तमाम गतिविधियों को पिरोने का प्रयास हुआ है। यानी आंचलिक उपन्यास के जो कई गुण होते हैं जो आप देखेंगे, हमने आपको बताया था, आपको याद है या फिर बहुत वो चीजें हैं, 7-8 पॉइंट होते हैं आंचलिक उपन्यास के। इनमें से ये एक या दो पॉइंट्स को ये उपन्यास पूरा करता है, पूरा नहीं करता, इसलिए ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। जबकि आपने जगदीश चंद्र का उपन्यास पढ़ा था, धरती धन अपना पढ़ा था ना? हेलो, जी, सर पढ़े थे।
जो चीजें हैं वो आंचलिकता की चीजें थी और वो आंचलिक उपन्यास था, लेकिन ये आंचलिक उपन्यास नहीं है, ये आंचलिकता की पृष्ठभूमि में लिखा गया सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें संस्कृत की भी बात भी है और इतिहास की भी बात है। अब इतिहास की उन इतिहास यानी एक कालखंड को लिया गया है, देखिए मैलांचल में किसी एक विशेष कालखंड को नहीं लिया गया, लेकिन इसमें एक विशेष बिल्कुल 1907 से 1914-15 के बीच का जो कालखंड है उसमें ये सम्मिलित है, यानी उसी की इर्द गिर्द ये कथा घूमती है और संस्कृति की बात होती है, इसलिए सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास नहीं है। क्लियर? जी सर, थैंक यू। अंत में अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, सर को भी काम होगा। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, कोई प्रश्न है तो ये सबसे पहला धर्म होता है कि अध्यापक का वो प्रश्न की शंकाओं का उन्मूलन करें, अगर ये आज संभव नहीं होता तो अगले क्लास में करें, जी, लेकिन निश्चित रूप से सर। कन्नी काटना बहुत अच्छा नहीं है अध्यापक नहीं, की, सही ये बात, नहीं। सही ठीक बात है, बताइए। जी। तो मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, कोई विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो आमंत्रित है अंतिम रूप से, क्योंकि ये इस कक्षा को हम लोग आगे भी बढ़ाने वाले हैं, जो अगले सप्ताह में, आज जैसे कि दो खंडों के मुख्य रूप से बात हुई, आगे चल के जिंदगीनामा के प्रमुख पात्र और परिवेश और भाषा पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके अलावा आज जो अभी हमारी कक्षा हुई मुख्य रूप से दो खंडों पे, उस पे आधारित है, किसी विद्यार्थियों की शंका के प्रश्न हो तो मैं आमंत्रित करूंगा कि अपने प्रश्न पूछे। शायद असित पाणिग्राही जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके मन में कुछ है लेकिन वो सोच रहे हैं क्या पूछें। क्या पाणिग्राही जी, मैं हाँ सुन, सर, हेलो। हाँ आपके मन में विचार आ रहे हैं और उसे आप अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कहिए बताइए। हाँ हाँ, एक सवाल है, जो आप बोले बताइए। आंचलिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, इस तरह और क्या क्या उपन्यास है? बहुत सारे हैं, जैसे कि एक सामाजिक उपन्यास है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है, संस्कृति के संस्कृति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया सांस्कृतिक उपन्यास है, इतिहास पृष्ठभूमि पर लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है, मनोविज्ञान के पृष्ठभूमि पर लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, फिर उनको दोनों को मिलाकर के जैसे समाज सांस्कृतिक उपन्यास है या सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसे आगे आगे बढ़ा सकते हैं आप बहुत कई सारे तरह के। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और अभिषेक जी, अगर कोई विद्यार्थी हैं तो जुड़िए, जुड़ाइए हमसे, जुड़िए। नहीं सर, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं और आपको धन्यवाद भी कह रहे हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर जी। नहीं सर, यहाँ पे अपने चैट बॉक्स में लगातार निरंतर पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थी लगातार धन्यवाद भी दे रहे हैं और अपनी शंकाओं को आपके समक्ष रख रहे हैं और दूर करने के लिए आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं। मुझे लगता है सर, चूंकि समय भी हो गया और विद्यार्थियों के पास में प्रश्न लगातार नहीं आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा विद्यार्थी के पास में कोई शंका है, और ठीक वैसे भी हम लोग इस कक्षा को आगामी सप्ताह में फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसी के साथ सर, मैं आज की कक्षा को समाप्त करूंगा और अपने विश्वविद्यालय की ओर से आज के हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमूल्य रत्न मोहंती सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला, अपना समय दिया, और विद्यार्थियों का धन्यवाद कि विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर से क्लास करवाइए, हम लोगों ने इससे पहले भी सर का क्लास किया हुआ है, सर हमें बहुत अच्छा लगता है मतलब आपके साथ संप्रेषण करना। तो मैं विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सर के साथ, मुझे सर के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सर से बातचीत करने का, साथ ही साथ विद्यार्थियों के साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि सर होता है, निरंतर जब हम लोग उपन्यास वगैरह या नाटक कहानी पढ़ते रहते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में है, तो एक के बाद एक जब हम पढ़ते रहते हैं तो कई बार होते हैं कुछ चीजें छूट जाती हैं, हम भूल जाते हैं। जिंदगी नामा बिल्कुल हो गया या दिलो दानिश मैंने पढ़ा है एमए के दौरान या उसके बाद भी, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दिमाग से उतर जाती है, क्योंकि सारे उपन्यासों को एक साथ रखना यह भी मुमकिन नहीं है। तो विद्यार्थियों के साथ निश्चित रूप से जी सर, नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत सारी बीती हुई चीजें याद, उस उपन्यास के दौरान मुझे सीखने को मिली, इसलिए सर आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक बात है अभिषेक जी, जी सर, मैं उपन्यास के क्षेत्र का नहीं हूं, मेरा क्षेत्र भक्ति है और भाषा विज्ञान है, लेकिन सहयोग देखिए
आपने मुझे उपन्यास दिया। मैं असल में भाषा विज्ञान के और भक्ति काल पर ही मेरा काम है, भाषा विज्ञान पर भी है। ठीक है, मैंने कल किसी विद्यार्थी मित्रों से मुझे मैंने कहा मेरा क्षेत्र ये नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया है तो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अपने अपना प्रयास हमारा रहेगा कि हम कहाँ तक आपको संतुष्ट कर पाते हैं अपनी कक्षा से। देखिए, वो अपने विद्यार्थियों पर वो निर्भर करता है, हमने जो हमारा जो बेस्ट था हमने दिया और बाकी उनके ऊपर है उन्होंने कितना ग्रहण किया और हमारी बात कहाँ तक उनके पास पहुंची। ठीक है, जी सर, नहीं निश्चित रूप से विद्यार्थियों तक पहुंची है। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने मुख्य रूप से इस कक्षा में जुड़े और अपने प्रश्न सर के सामने रखा, क्योंकि कोई भी कक्षा विद्यार्थियों के बिना पूर्ण नहीं होती, इसलिए विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे टेक्निकल टीम को, स्वागत का मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर इस बिल्कुल, सुबह से हमारे साथ लगी हुई है। उनके जी बाद सर, ये संभव होती है, ये तो वेब क्लास है। ठीक है, स्वागतिका मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी थैंक यू सर। विश्वविद्यालय। मैडम जी सर, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद, ठीक अच्छा बहुत मैडम बहुत नमस्ते। धन्यवाद। अब जी झंडा सर, ले ले, सर मेरे को बहुत सर आप सारा दे ले। हम कौन कौन मैडम कौन किसी ने अभिषेक जी रखें। जी सर, जी सर आप अपनी ओर से सर शिक्षा समाप्त कर सकते हैं। जी सर, पुनः मुलाकात होगी सर इसी आशा के साथ सर। जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग भी अपनी ओर से इस कक्षा को समाप्त कर सकते हैं।